ओके सो थिंग इज कि जो जैकब एंड मोनो ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन लैक ऑपरॉन, इट वाज फॉर डिसाइफरिंग इट. एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर जीन और इट्स फंक्शन, यू जस्ट हैव टू म्यूटेट दैट जीन. ठीक है, उसके रिजल्टिंग जो एब्सेंस ऑफ प्रोटीन या एबनॉर्मल जो प्रोटीन मिलता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस. एंड उससे क्या कैस्केडिंग इफेक्ट आता है इन द टर्म्स ऑफ मेटाबोलाइजिंग या फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो आपको उसके बारे में स्टडी कर सकते हो. तो बेसिकली जितने सारे जीन्स इन्वॉल्व है लैकोपेरोन में, एंड जीन्स उनको म्यूटेट करके ही देन दे केम टू कंक्लूजन दैट दिस जीन्स आर बीइंग स्ट्रक्चरल जीन्स आर बीइंग रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड इन ऑर्गेन ईच एंड एवरी. जरूरी नहीं कि खाली ह्यूमंस में ही है, इट इज लिमिटेड टू बैक्टीरिया और ह्यूमंस. ठीक, तो जेकॉब एंड मोनो या मोनार्ड बोलते हैं, मोनो ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है जेकॉब एंड मोनो. ओके आगे चले हम लोग, होपफुली दिस इज क्लियर. देखो क्या बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया अडेप्ट करता है चेंजेस, मतलब अगर ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो उस हिसाब से इंटरनल इन्वायरमेंट भी चेंज कर लेता, ताकि वो बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर ले. ठीक है, ओके. फॉर प्रोकैरियोट्स ये इट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ओके चलो आगे चलते हैं. There are three structural protein-coding genes involved in lactose metabolism in E. coli. These three lac genes are organized into the lac operon. An operon is a cluster of genes along with an adjacent promoter and operator that control the transcription of those genes. करेक्ट. तो सुबह क्या बोला था मैंने कि आपका जो ऑपेरॉन है, इट कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स एंड योर स्ट्रक्चरल जीन्स. एकदम सिंपल है ना. तो स्ट्रक्चरल जीन्स में क्या आ गए, लैक जी आ गया, लैक वाई आ गया, लैक ए आ गया. ठीक है, ओके. एंड पी फॉर प्रमोटर, ओ फॉर ऑपरेटर. ठीक है, एंड देर इज प्लस साइन एवरीवेयर. ये भी याद रखो, प्लस एंड माइनस में भी डिफरेंस है. प्लस मतलब फंक्शनल जीन है. ठीक है, फंक्शनल. प्लस मतलब पॉजिटिव. इधर दे रखा है, इधर अभी मैं इधर गोल नहीं कर सकता, इधर इट इज अ फ्लैश प्लेयर. ओके सो बट थिंग इज, ये जो ये प्लस साइन है, लैक जी प्लस, लैक वाई प्लस, लैक ए प्लस, जीन इज फंक्शनल इन नेचर. ठीक है, जीन इज फंक्शनल इन नेचर. ओके, इवन योर रेगुलेटरी जीन्स आर फंक्शनल. देखो जैसे लैक है, इट मीन्स इट इज फंक्शनल. लैक ओ प्लस है, मतलब इट इज फंक्शनल. प्रमोटर पी प्लस है, इट इज फंक्शनल. ठीक है, अगर पी प्लस नहीं रहेगा, पी नेगेटिव रहेगा या ओ नेगेटिव रहेगा, इट इज नॉन फंक्शनल. ठीक है, ओके. एंड कौन बताएगा मुझे लैक जी कोड्स फॉर विच काइंड ऑफ प्रोटीन? लैक जी प्लस कौन सा प्रोटीन बनाता है? यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल एवरीवन? हेलो, यस सर. यस, ओके. तो लैक सी प्लस क्या बना रहा है आपका? बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो कि आपको लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ओके, फिर वापस एक बार कर रिपीट कर लेता हूँ. लैक वाई इज लैक्टोज परमियस एंड लैक ए इज ट्रांसएसिटाइलेज, जिसका इन डेप्थ फंक्शन नहीं पता. ट्रांसएसिटाइलेज ऑब्वियसली एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है, इतना हम लोग को पता चल रहा है, बट इन डेप्थ क्या रैमिफिकेशन है, क्या कैस्केडिंग इफेक्ट है, वी डोंट नो. ओके, इधर एक प्रमोटर है एंड ऑपरेटर ओ प्लस है, बट थिंक इज की लैक आई प्लस है, इट इज अ रिप्रेसर. इट प्रोड्यूसर्स रिप्रेसर, जो कि आपका ऑपरेटर पे जाके बैठ जाता है. ठीक है, आगे चलते हैं, कैसे वर्क करता है देख लेते हैं. When the structural genes in an operon are transcribed, a single mRNA is produced. This mRNA is said to be polycistronic because it carries the information from more than one type of protein.
LAC Z plus encodes beta galactosidase, which breaks down lactose into glucose and galactose. LAC Y plus encodes lactose permease, which transports lactose into the cell. LAC A plus encodes transacetylase, whose function is not fully understood. Right? तो ट्रांसएसिटेलेस परमीएस, परमीएस वही हो गया, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हो गया, जो कि आपका ऑब्वियसली लैक्टोज इज अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, विल बी अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, तो लैक्टोज को बाहर से अंदर एसिमिलेट करना है, राइट, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट के लिए लैक परमीएस विच इज कोडेड बाई लैक वाई जीन. ठीक है, एंड यू आई थिंक आई हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. The operator LAC O plus is a short region of DNA that lies partially within the promoter and that interacts with the regulatory protein that controls the transcription of the operon. Right? तो LAC operator क्या है? It is a overlapping. किसके साथ overlap कर रहा है उसके sequences? Promoter के साथ overlap कर रहा है, right? तो ऑपरेटर एंड प्रोमोटर ये दोनों मिलके आपका जेनेटिक स्विच बनाते हैं, राइट, एंड इसके जो ऑपरेटर के वजह से ये स्विच ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स अवेलेबिलिटी या बाइंडिंग नेचर. ठीक है, बाइंडिंग नेचर मतलब दूसरे प्रोटीन को बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं, या दूसरे प्रोटीन इसको बाइंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो देखते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन से. ठीक है, the regulatory gene LACI+ produces an mRNA from which is synthesized a repressor protein that can bind to the operator of the LAC operon. The general term for the product of a regulatory gene is a regulatory protein. The LAC regulatory protein is called a repressor because it keeps RNA polymerase from transcribing the structural genes. Right? So LACI kya generate kar rahe? एक्सप्रेस कर रहे हैं एमआरएनए, जो कि एमआरएनए लैक रिप्रेसर बनाएगा ऐसे प्रोटीन्स, जो कि ये है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जैसे आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज इज आल्सो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, बट वो बाइंड करते नहीं बैठते, उनका एक पर्टिकुलर रोल है, राइट, ओके. लैक रिप्रेसर भी डीएनए को बाइंड करता है, बट वो इसका भी टेम्परेरी बाइंडिंग है, ऐसा परमानेंट बाइंडिंग नहीं है. ठीक है, बट टेम्पररी इट इज बाइंडिंग टू डीएनए. ठीक है, ओके, तो इसके एक्टिव साइट इज बेसिकली इट इज नॉट कैटलाइजिंग एनीथिंग, बट इट इज बाइंडिंग टू डीएनए. ओके, ठीक है, होपफुली समझ रहा है, यस नो, एंड सुबह का लेक्चर थोड़ा कोरिलेट कर लो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, यस सर, ओके, एंड इसके बाद में सिमुलेशन स्टडी एक और रहेगा, ये अभी नेगेटिव रेगुलेशन चल रहा है, इसके बाद पॉजिटिव रेगुलेशन एंड देन वी विल गो फॉर अ सिमुलेशन स्टडी, राइट, आगे चलते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द लैक रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर एंड कीप्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द लैक जीन्स, राइट, है कि नहीं, रिप्रेसर ऑपरेटर पे जाके बैठ गया. अभी थिंग इज जो प्रमोटर में अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड भी कर लेता है, इट के नॉट मूव फॉरवर्ड बिकॉज रिप्रेसर एक रोड ब्लॉक या वॉल का काम कर रहा है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को आगे जाने ही नहीं देगा. ठीक है, एंड आरएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए, एकदम पूरा का पूरा नॉन हिंडरेंस चाहिए, इसमें कोई भी हिंडर ना करे, उसको कोई ब्लॉक ना करे. ठीक है, और वेयर एज रिप्रेसर ब्लॉक कर रहा है. ठीक है, अभी अगर आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा ही नहीं, तो जो ये स्ट्रक्चरल जीन्स है लैक जी वाई ए, ये एक्सप्रेस नहीं होने वाले, राइट, एंड इसलिए इधर ही एक्सप्रेशन रुक जाएगा. सिंपल है, ओके, नाउ व्हाट हैपेंस विद लैक रिप्रेसर, और इधर एक खड्डा रिप्रेसर में कुछ हाफ सर्कल टाइप दिया हुआ है, वो है क्या, वो देखते हैं. व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, small amounts of it are converted to an isomer called allolactose, which acts as an inducer to turn on the LAC genes. The LAC genes are expressed because allolactose. And then bind to the promoter and transcribe the LAC genes. Okay, so ye idhar dhyan se aapko dekhna padega, jo repressor tha uska original shape aur abhi ka jo shape hai उसमें चेंजेस दिख रहे हैं आपको, कि जो ओरिजिनल शेप था वो एक एंड स्क्वायर इधर
डिनोट करने के स्क्वायर पता है, ठीक है, बट थिंग इज कि उसमें कन्फॉर्मेशन चेंज होता है एंड इट इज इजीली रिप्रेजेंटेड, विजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कलर, ठीक है, बट थिंग इज कि जो कन्फर्मेशन चेंज आता है बाय बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज, एलोलैक्टोज है क्या, इट इज एन आइसोमर, किसका आइसोमर है, लैक्टोज का आइसोमर है, कौन बनाता है लैक्टोज को आइसोमर, एलोलैक्टोज कौन बनाता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है एलोलैक्टोज, जो लैक्टोज बाहर से थोड़े अंदर आते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है एलोलैक्टोज को, एलोलैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर या आप बोल सकते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या करता है, इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिप्रेसर प्रोटीन, एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। तो मैंने मॉर्निंग के लेक्चर में क्या बताया था कि आपका जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें दो साइट्स होते हैं, कैटालिटिक साइट होते हैं और रेगुलेटरी साइट्स रहते हैं, राइट, तो रेगुलेटरी साइट्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्टर मॉलिक्यूल्स आके बैठ सकते हैं एंड इट कैन चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें जो चेंजेस आ रहा है इट इज बिकॉज ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल, और इफेक्टर मॉलिक्यूल है क्या, इधर एलोलैक्टोज जो कि रिप्रेसर को बाइंड करेगा एंड चेंजेस लेके आएगा, ठीक है, ओके, किसी को डाउट है अभी भी कि शुड वी मूव फॉरवर्ड, किसी को पूछना है, एनी डाउट्स, ये समझ में आया तो यस टाइप कर सकते हो एंड अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट टाइप करो, यस समझ में आ रहा है, ओके, नाउ तो इसमें क्या कन्फर्मेशन चेंज आया, अभी कन्फर्मेशन चेंज आने की वजह से लैक रिप्रेसर इज कैन नो लॉन्गर बाइंड टू ऑपरेटर साइट, कन्फर्मेशन चेंज आ गया इसलिए लैक रिप्रेसर अभी ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाया, ऑपरेटर को बाइंड नहीं कर पाया तो क्या हो गया, देर इज नो ब्लॉकेज, नो हिंडरेंस फॉर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा डायरेक्टली ये पूरा का पूरा एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए जनरेट करेगा एंड देन इधर से आपके तीन एंजाइम्स जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, एकदम सिंपल है, आगे चलते हैं। Jacob and Minot produced mutations in the lac operon to show how they may affect the regulation of gene expression. They produced a mutation in the LacI gene, LacI minus, such that mutant inactive repressor proteins were synthesized. These proteins cannot bind to the operator. The result is that the structural genes are expressed constitutively, that is, in the presence or absence of lactose. Okay. तो इसमें एक्चुअली ये थोड़ा एडवांस लेवल है कि कैसे उन्होंने डिटेक्ट किया, तो इन्होंने क्या किया जो जैकब एंड मुनो ने कि आई को म्यूटेट कर दिया, ओ को म्यूटेट कर दिया, राइट, ओ को दूसरा म्यूटेशन भी दिया, ओवर एक्सप्रेशन एंड अंडर एक्सप्रेशन का, राइट, तो लैक आई नेगेटिव मतलब आई विल बी नॉन फंक्शनल इन नेचर, आई अगर रिप्रेसर ही नॉन फंक्शनल है तो ऑपरेटर को बाइंड ही नहीं करेगा, ऑपरेटर को बाइंड नहीं करेगा मतलब क्या, इधर पॉलीमरेज आके बैठता जाएगा एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा ये जीन, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब ऐसे जीन जो कि 24/7 365 डेज जब तक सेल जिंदा है तब तक काम करता रहेगा, फंक्शनल रहेगा, ठीक है, मतलब फंक्शन प्रोटीन बनता रहेगा चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो चाहे लैक्टोज एब्सेंट हो, ठीक है, ये जनरेट होता रहेगा, ओके, वैसे ही लैक ओ माइनस भी है एंड लैक ओ सी भी है जो कि आई थिंक आगे दिया हुआ, but we will concentrate this after assimilation studies. Yeah, next lecture ke liye. Mutations in the operator are called constitutive, lac OC. DNA base pair alterations in the operator region make this sequence unrecognizable to the repressor protein. Since the lac repressor cannot bind, the structural genes are always expressed in the absence or presence of lactose. Yes. अभी देखो ऑपरेटर इसमें उसमें म्यूटेशन के वजह से ऑपरेटर को ही कॉन्स्टिट्यूटिव बना दिया, मतलब जो रिप्रेसर है उसको बाइंड ही नहीं कर पाएगा ऑपरेटर को, अगर रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा तो आराम से आरएनए पॉलीमरेज के पास कोई भी ब्लॉकेज ब्लॉक नहीं है या रोड ब्लॉक्स नहीं है या कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो ये आराम से सारे का सारा एमआरएनए जनरेट करता जाएगा एंड डैट टू
कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर से, इंड्यूसिबल नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूटिव रहेगा, क्योंकि रिप्रेसर है ही नहीं, राइट। रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर साइट, तो ये फटाफट फटाफट आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एमआरएनए जनरेट करते रहेगा, ठीक है। तो ये है लैक ओसी का फंडा, ठीक है। Another mutation in the LACI gene, called LACIS, super repressor, showed no synthesis of the LAC enzymes in the presence or absence of lactose. This mutant repressor protein binds to the operator, but is unable to recognize allolactose. Therefore, the LAC repressor binds to the operator even in the presence of allolactose, and transcription does not occur. ठीक है, तो allolactose इसको बाइंड करने जाता है, अब ये LAC ठीक है, आई एस मतलब सुपर रिप्रेसर है, मतलब ये रिप्रेस करेगा 24/7 365 डेज, इवन इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज ये रिप्रेस करता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके रेगुलेटरी रीजन में चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से ये जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है जो एलोलैक्टोज है उसको बाइंड ही नहीं कर पा रहेगा। अगर एलोलैक्टोज बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो इसमें कन्फर्मेशन चेंज नहीं आएगा, एंड इट विल रिमेन बाउंड टू ऑपरेटर साइट फॉर 24/7 365 डेज। तो इवन इफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर, इट कैन नॉट एक्सप्रेस। क्यों? इवन इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज प्रेजेंट भी रहेगा तभी भी ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। इट इज क्लियर? यस, ऊपर से गया, कुछ समझ में आया? यस, अगर आपको समझ में आया तो यस टाइप करो, अगर किसी को कुछ रिपीट चाहिए तो फटाफट बोलो। यस, कुछ रिपीट एनीथिंग? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो इसका जो लैक ऑपेरॉन का जो आपका एक्चुअल फाइंडिंग है, इट इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस कैरीड आउट इन जीन्स, ठीक है। ये म्यूटेशन करके ही जीन्स में क्या कैसे फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शन क्या है, ईच एंड एवरी रेगुलेटरी रीजन्स का भी फंक्शन है, वो इधर से पता चल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके, एक स्लाइड और है आई थिंक इसमें। The LAC operon is one example of how bacteria can turn on or turn off genes in response to environmental conditions. The presence of lactose induces the synthesis of enzymes necessary to convert lactose into glucose. Mutations in this operon demonstrate how the different regions are controlled. Right? ठीक है, तो LAC operon is one of the best, अगर कुछ किसी को भी operon पढ़ाना है तो LAC operon इज अ बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि वो नेगेटिव रेगुलेशन भी बताता है, पॉजिटिव रेगुलेशन बताता है भी रहता है उसमें, ठीक है। कुछ कुछ operons में इट इज ओनली फॉर नेगेटिव रेगुलेशन और स्पेसिफिकली पॉजिटिव रेगुलेशन, बट LAC operon इज एग्जाम्पल ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है, एकदम सिंपल फंडा है। यस, आगे चलते, एक मिनट। Okay, so we have seen animation for negative regulation. Now we will go for positive regulation. अभी positive regulation कब आता है? तो मैंने बताया था, देखो तीन conditions हो सकते हैं environment में, कि lactose present हो तो negative regulation हट जाएगा, अगर lactose absent है और यह glucose है तो glucose में आपका first जो negative regulate करता रहेगा and repress करता रहेगा। जैसे ही लैक्टोज है, लैक्टोज रिप्रेशर रिप्रेशन को निकाल देगा, नेगेटिव रेगुलेशन हट जाएगा। अब ये सिचुएशन आता है जो पॉजिटिव रेगुलेशन का, इट कम्स अंडर द थिंग कि जब दोनों भी सोर्सेस प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो एंड लैक्टोज भी प्रेजेंट हो, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा कार्बोहाइड्रेट पहला यूटिलाइज करेगा, ग्लूकोज या लैक्टोज? यस यस, एवरीवन, ग्लूकोज, राइट। ग्लूकोज क्यों? ग्लूकोज क्योंकि इट इज इजीली एसिमिलेटेबल, फास्ट एसिमिलेट हो जाता है एंड इट इज मोनोसैकेराइड, ठीक है, सिंपल। एंड उसके एंजाइम्स भी प्रेजेंट है, ईएमपी, ठीक है, ईएमपी पाथवे आप लोगों ने पढ़ा, राइट।
चलो एनिमेशन देख लेते कैसे हो रहा। Glucose is the preferred and most frequently available energy source for E. coli. Whenever glucose is present, E. coli metabolizes it before using alternative energy sources such as lactose, arabinose, galactose, and maltose. The enzymes to metabolize glucose are made constantly by E. coli. ठीक है, तो glucose is preferred source of carbohydrate. ठीक है, and lactose हो गया, galactose, even galactose भी बोला है. गैलेक्टोज इज आपका मोनोसेक्राइड, बट थिंग इज कि उसके एंजाइम्स सारे ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं रहते. इवन एराबिनोज हो गया या माल्टोज हो गया, तो सारे ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेटाबोलाइज दिस. ठीक है, ओके, तो प्रिफर्ड सोर्स इज ग्लूकोज. ठीक है, आगे चलते. व्हेन बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर अवेलेबल, द जीन्स फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म आर ट्रांसक्राइब्ड, but at such a slow rate that lactose is metabolized only slowly. This is because of a mechanism called catabolite repression, glucose effect, which functions to turn the lac operon off even though lactose is present. Only when the supply of glucose has been exhausted does E. coli increase. जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, तब तक आपका लैक ओपेरॉन जो का फंक्शनिंग रहेगा वो लो रेट पे रहेगा, या लो लो रेट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट होगा. ठीक है, एक्सप्रेशन लेवल वुड बी वेरी वेरी लो. ठीक है, नॉट बेसल बट इट वुड बी लो. एंड क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक, ओके, बट द थिंग इज ट्रांसक्रिप्शन रेट इज स्टिल लो. क्यों, मैंने सुबह बताया था, क्योंकि प्रमोटर ऑफ लैक ओपेरॉन इज वीक, वीक प्रमोटर. तो वीक प्रमोटर है मतलब उतना उसका एक्सप्रेशन लेवल लो रहता है. ओके, तो जब तक ग्लूकोज है तब तक एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन वुड बी वेरी वेरी लो. दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज इफेक्ट और कैटाबोलाइट रिप्रेशन. तो जब तक ग्लूकोज है तब तक वो इनहिबिट करके रखेगा, राइट. नाउ अगर ग्लूकोज का क्वांटिटी कम हो जाता है, राइट, एंड तो मैंने क्या बोला था कि ग्लूकोज का क्वांटिटी अगर कम हुआ तो क्या किसका क्वांटिटी इंक्रीज होना चाहिए? यस, ग्लूकोज का क्वांटिटी, हाँ, ओके, एएमपी का, टॉकिंग अबाउट साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन. अब ये बताएगा, ठीक है, कैसे ये ग्लूकोज इफेक्ट कैसे होता है. ठीक है, तो जब ग्लूकोज पूरा तरीके से खत्म हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो अभी तो नाउ इट विल स्विच ऑन द लैक ओपेरॉन एक्चुअल फुल स्पीड में, जैसे फैन का भी स्पीड रहता है ना, 1-2 रेगुलेटर में 1-2-3-4-5, राइट, एसी का भी स्पीड रहता है, वैसे ही अभी लैक ओपेरॉन का ऑन तो किया है बट उतने 1 पे रखा हुआ है. ठीक है, अब यू वॉन्ट इट टू इंक्रीज, और बैक्टीरिया वॉन्ट टू इट टू इंक्रीज टू लेवल 5. ठीक है, हायर रेट में चाहिए. ठीक है, अब कैसे होगा वो देखो. हायर रेट में चाहिए मतलब इधर जो ये वाला प्रमोटर है इट शुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो ये हम लोग तो बोल रहे कि ये दिस इज वीक प्रमोटर, राइट, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? एक कॉम्प्लेक्स आके इधर बैठेगा, अब वो बताएगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है. The presence or absence of glucose affects the lac operon by affecting the concentration of cyclic AMP. Cyclic AMP is synthesized from ATP in a reaction catalyzed by adenylate cyclase. Cyclic AMP is then broken down in a reaction catalyzed by phosphodiesterase. The concentration of cyclic AMP in E. coli is inversely proportional to the concentration of glucose. As the concentration of glucose decreases, the concentration of cyclic AMP increases. Right? ये मैंने सुबह ही डिस्कस किया था कि ग्लूकोज ATP ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड ग्लूकोज एंड साइक्लिक AMPs आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? ओके, जो जितना ज्यादा ग्लूकोज रहेगा उतना ज्यादा ATP बनेगा, मतलब साइक्लिक AMP, ऑब्वियसली AMP वुड बी कन्वर्टेड इनटू ATP, राइट? तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम रहेगा, पर जैसे ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, राइट,
तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि जितने भी एटीपीज है वो यूटिलाइज होते जाएंगे, राइट, एडीपी में कन्वर्ट होते जाएंगे, एंड कुछ मॉलिक्यूल साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट. एंड इसमें एक एंजाइम का नाम दिया है एडिनाइलेट साइक्लेस, वेयर इन जो एटीपी है इट इज कन्वर्टेड टू साइक्लिक एएमपी, एटीपी इज कन्वर्टेड टू साइक्लिक एएमपी. तो क्या होगा, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो गया. तो साइक्लिक एएमपी है क्या? इट इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. और ये कभी सिग्नलिंग, कभी तो क्या सिग्नल कर रहा है, ये सिग्नल कर रहा है कि थिंग इज कि सेल इज फैमिश्ड, सेल इज फैमिश्ड मतलब सेल को बहुत भूख लगा है और उसको सोर्स नहीं है, ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, तो क्या खाएगा अभी? लैक्टोज खाएगा. ठीक है, तो लैक्टोज खाने के लिए उसके पास एंजाइम्स होने चाहिए, ठीक है, लैक्टोज तोड़ने के लिए, नहीं तो वो कुछ नहीं होएगा. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. होपफुली समझ रहे हैं, यस नो बता दो मुझे फटाफट. यस सर. अदर्स ओके नाउ आगे आगे चलते हैं. चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, cyclic AMP accumulates and joins with a receptor protein called the catabolite activator protein, CAP. The resulting CAP cyclic AMP complex binds to the CAP site in the LAC promoter. This increases the rate of transcription of the LAC operon structural genes by enhancing the binding of RNA polymerase to the promoter. ठीक है, तो इसको मुझे लग रहा है तुम लोग को शायद रिप्ले चाहिए रहेगा इसके. ओके, यहाँ रिया कुछ पूछना है आपको. रिया 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 यू हैव रेज्ड योर हैंड, पूछ रहा हूँ मैं कुछ आपको कुछ. यस रिया, एक बार मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ ये एनिमेशन को, एंड वापस सुनो, ध्यान से सुनो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड देखो, कोई कोई बुक्स में कैप लिखा हुआ है, सी ए पी, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है, कैप शॉर्ट फॉर्म में कैप. कहीं कहीं जगह सी आर पी लिखा हुआ है, कैटाबोलाइट रिप्रेसर प्रोटीन, सी आर पी लिखा है इंस्टेड ऑफ सी ए पी. ठीक है, ओके, तो ये आप चेक कर लो, एंड प्रेफरेबली कैप रहेगा. ठीक है, आप क्या, अगर कैप प्रेफर करोगे तो बेटर रहेगा. ठीक है, अच्छा, ये जो कैप साइट है इट इज़ विद इन प्रमोटर रीजन, ये भी याद रखो, ये मैंने सुबह भी बताया था इन मॉर्निंग लेक्चर, राइट, तो ये याद रखो, इट इज़ बाइंडिंग टू प्रमोटर साइट. प्रोमोटर में एक पर्टिकुलर साइट है विच इज कॉल्ड एज कैप साइट, जो कि साइक्लिक एएमपी एंड कैप जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसके लिए ही है. और ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रहेगा तब जाके इधर बाइंड करेगा, नहीं तो अकेले बाइंड नहीं कर पाएगा. ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिप्ले. इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज एंड द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक एएमपी एक्युमुलेट्स एंड जॉइंस विद अ रिसेप्टर प्रोटीन कॉल्ड द कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, कैप. The resulting CAP cyclic AMP complex binds to the CAP site in the LAC promoter. This increases the rate of transcription of the LAC operon structural genes and the binding of RNA polymerase to the promoter. Okay, so basically आपका CAP CMP complex क्या कर रहा है? Affinity increase कर रहा है. किसकी increase कर रहा है? Promoter की affinity increase कर रहा है to RNA polymerase, right? तो आरएनए पॉलीमरेज जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंड कर पाएगा उतना स्पीड में आपका एमआरएनए, उतना स्पीड में आपका एमआरएनए जनरेट होगा. ठीक है, ओके, उतना स्पीड में आपका एमआरएनए जनरेट होगा, नहीं तो नहीं जनरेट होने वाला, सिंपल है. ठीक है, ओके, तो जितना स्ट्रॉन्ग जितना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स आपका कॉम्प्लेक्स अगर बाइंड करता है कैप साइट में
उतना स्पीड में फिर आपका जो आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग एफिनिटी है टुवर्ड्स वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोमोटर की एफिनिटी इंक्रीज हो रही है बेसिकली। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ कि द वीक प्रोमोटर इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बाय एडिशन ऑफ दिस प्रोटीन, ठीक है, कैप्सीएमपी कॉम्प्लेक्स। ओके, आगे चलते। When glucose is abundant in the cell, concentration of lactose also present. High levels of glucose cause the levels of cyclic AMP to be reduced. This results in insufficient CAP cyclic AMP complex to bind to the CAP site, which in turn does not facilitate RNA polymerase attachment to the promoter, so only a very low level of transcription can occur. This occurs even though repressor proteins are removed from the operator site due to the presence of lactose. Once the glucose runs out, cyclic AMP levels increase and transcription of the lac operon is enhanced as we saw earlier. ओके, सो इसमें क्या बोल रहे कि अभी इसने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, तो ये जो जो भी एनिमेशन में जो भी बोला गया है वो इधर राइट में दिया हुआ है, राइट। ओके, एंड इसमें क्या बोला है, सिंपल है कि अगर ग्लूकोज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन हो जाएगा, बट है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला था। तो अगर ग्लूकोज का लेवल डाउन है तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन अप हो जाएगा, सिंपल है। साइक्लिक एएमपी को हम लोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्यों सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं? क्योंकि ये सिग्नल करता है, राइट, कि ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स का कमी है या अमाइनो एसिड्स का कमी है, ठीक है। ओके ओके, तो इधर आपका अगर साइक्लिक एएमपी नहीं है तो जो कैप प्रोटीन रहता है जो कॉम्प्लेक्स बना के कैपसाइट में बैठना चाहिए था वो अभी बैठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तभी जाके बैठ पाएगा, अकेला इनएक्टिव रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो जब साइक्लिक एएमपी आता है तो वो एक्टिव कर देता है उसको। ओके, आगे चलते। अभी अगर इधर कैप साइट में कैप नहीं है तो कैप कॉम्प्लेक्स नहीं है, कैप सीएमपी कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो जो प्रमोटर को डिफिकल्टी होती है टू फाइंड द करेक्ट साइट एंड अटैच टू प्रमोटर रीजन एंड ट्रांसक्रिप्शन कैरी आउट करने, तो ये क्या रिजल्ट करता है? लो ट्रांसक्रिप्शन इफिशियंसी, ठीक है, लो ट्रांसक्रिप्शन इफिशियंसी। ओके, होपफुली समझ रहा है? यस नो बता दो मुझे फटाफट, यस सर, बाकी लोग। यस सर। जाते हैं हम लोग लास्ट स्लाइड में, एंड लास्ट स्लाइड ऑफ एनिमेशन है, इसके बाद हम लोग सिमुलेशन स्टडी कर, ठीक है। ओके, नाउ द कैप साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी अ ट्रेंड बिकॉज़ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज इंक्रीज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स। इन अदर वर्ड्स, देयर इज पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ द लैक ऑफ सिस्टम इन एडिशन टू द नेगेटिव कंट्रोल बाय द रिप्रेसर सिस्टम। Catabolite repression also is seen for a number of other operons that encode enzymes for the metabolism of various sugars. ठीक है, तो जो कैप अकेला खाली लैक ऑपरॉन के लिए काम नहीं कर रहा है, सीएमपी इज आल्सो वर्किंग एज अ सिग्नलिंग। पूरा सेल का सिस्टम चेंज हो जाता है जब साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, एक दूसरा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज PPGPP, मतलब टेट्रागोनोसिन, ठीक है, टेट्रागोनोसिन इज PPGPP, ये है। ओके, मतलब चार फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, तो अगर फॉस्फेट्स की कमी हो जाती है तो PPGPP का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मली इट इज इन फॉर्म ऑफ पेंटा फॉस्फेट, ठीक है, गोनोसिन पेंटा फॉस्फेट। अभी जो दिख रहा है गोनोसिन टेट्रा फॉस्फेट, ठीक है, मैं बताने के लिए, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इधर
लैक ओपेरॉन इज द बेस्ट मॉडल टू स्टडी ओपेरॉन्स, क्योंकि इसमें पॉजिटिव कंट्रोल भी है एंड इसको नेगेटिवली भी कंट्रोल किया जाता है. नेगेटिवली रेगुलेशन इज बाय लैक रिप्रेसर, और वो कैसे हटता है वो भी देखा हम लोगों ने. पॉजिटिव रेगुलेशन में कैसे ट्रांसक्रिप्शन को की इफिशियंसी इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन का रेट इंक्रीज कर रहे हैं. सिंपल है. होपफुली दिस वाज क्लियर. यस विद एनिमेशन समझा, ये सबको समझा? किसी को रिपीट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस एनिमेशन? तो मैं एनिमेशन बंद करके नाउ वी कैन गो मूव फॉरवर्ड टू सिमुलेशन स्टडी. सिमुलेशन स्टडी के लिए हम लोग इधर आते हैं. ठीक है, मैं ये थोड़ा फ्लैश प्लेयर बंद कर देता हूँ. एंड अच्छा, ये सिमुलेशन स्टडी है तो आपको खाली चेक करना है क्या क्या है, राइट? एंड थोड़ा सा अच्छा, ये इंटरनेशनल लेवल का सिमुलेशन स्टडी है. ओके ओके ठीक है. तो अभी देख लेते हैं ये है क्या. अभी इधर लेजेंड, लेजेंड मतलब नॉट दी लेजेंड, बट लेजेंड में मतलब आपको सब आ जाता है, जैसे एक टाइप का एब्रीविएशन. ये मॉलिक्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो दिस इज डीएनए, ये डीएनए है. ये आरएनए पॉलीमरेज है जो इधर टेर रहे, राइट? लैग जी आगे आएगा, अभी लैग आई भी आएगा, लैक्टोज भी आएगा, मैसेंजर एमआरएनए भी जनरेट होंगे, ट्रांसलेशन भी दिखाई देगा. ओके, सो दिस इज अबाउट लैक्टोज रेगुलेशन कैसे होता है. हम लोग पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको सेटअप कर लेते हैं. तो अब मुझे बताओ लैक प्रोमोटर किधर जाएगा, किधर जाएगा लैक प्रोमोटर? ये देखो येलो रीजन है, ठीक है, उधर चला जाएगा. ओके, अभी तुमको लैक ऑपरेटर इधर चला जाएगा, ठीक है? अभी मैंने डाला ही नहीं है जीन, क्या बना रहे है? क्या बना रहे है? ओके, अभी इधर आ गया, मैंने लैग जी डाल दी, ठीक है? ओके, एंड लैग आई इधर डाल दिया, एंड लैग आई प्रमोटर भी इधर डाल दिया. अब क्या हो गया, देखो क्या जनरेट हो रहा है. लैग जी जीन जनरेट हो गया, राइट? एमआरएनए जनरेट हो गया. ओके, अब ये क्या है इसका, देखो ये अभी ट्रांसलेट हो गया, ये लैग जी बीटा गैलेक्टोसाइटेस. अब देखो इधर देखो, अभी देखो ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल इधर जनरेट हुआ है, राइट? अब देखो हाँ, मजा आएगा. तो जब तक रिप्रेसर मॉलिक्यूल नहीं था तब तक ये इसने आरएनए पॉलीमरेज ने बना के हो गया, ठीक है? हाँ देखो, देखो कंटिन्यूसली बन रहा, राइट? इधर कोई ऑपरेटर नहीं है तो ये कंटिन्यूसली बनता जाएगा. ओके, मैं लेजेंड को हटा देता हूँ, ठीक है? ये देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है आरएनए पॉलीमरेज आके गया नहीं, राइट? अब देखो ये जैसे 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 चेंज हुआ फटाक से. मैंने क्या बोला था, टेम्पररी बाइंडिंग है, राइट? याद आया, टेम्पररी बाइंडिंग है. तो अब मैं थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर लेता हूँ, तुम लोग को शायद बोर हो जाएगा इतना सब कुछ देखने के लिए. ओके, देखो अभी देखो ये आ गया फट करके, दूसरा आ गया. थोड़ा सा मैं स्पीड इंक्रीज कर लेता हूँ, और देखो ये आगे नहीं बढ़ पाया तो ये निकल जाएगा. अब चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर जाते हैं. अभी हम लोग लैक्टोज को इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अभी इधर मैंने मैनुअल मोड में रखा है, तो मतलब मैं रेड बटन दबाऊंगा तो ये लैक्टोज छोड़ देगा, ठीक है? अब देखो कुछ हुआ क्या, रिप्रेसर देखो एलो, ये देखो एलो लैक्टोज बन गया, एंड ये टूट गया, दिखा दिखा ये इधर, एक मिनट वापस दिखाता हूँ, ये देखो टूट गया, दिखा? तो क्या कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसिडेज तोड़ रहा है, ठीक है?
ये देखो ये एलो लैक्टोज हो गया, तो ये इसकी बाइंडिंग गई। अभी मैं इस अभी पूरा पॉपुलेट कर देता हूँ, ठीक है? ओके okay. अब देखो रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू दिस, ठीक है? अब मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पॉपुलेट कर रहा हूँ, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। ओके ये देखो लैक रिप्रेसर निकल गया, दिखा लैक रिप्रेसर, देखो सब निकल गए। अभी क्या हुआ, अभी देखो इधर ये बीटा गैलेक्टोसिडेज इधर दिख रहा है आपको, इधर ये इधर, तो ये देखो ये फटाफट फटाफट बीटा गैलेक्टोसिडेज तोड़ इसको तोड़ रहा है, ठीक है? और मैं इसको ऑटो मोड में भी रख सकता हूँ, ये तो अपने आप छोड़ता जाएगा। देखो लैक आई भी जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है लैक आई जनरेट नहीं हो रहा है, रिप्रेसर जनरेट हो रहा है, बट थिंग इज इट इज ये एलो लैक्टोज को बाइंड करके ये अब इसकी रिप्रेसिंग एबिलिटी चली गई है, कन्फर्मेशन चेंज आ गया, ठीक है? ओके आप देखो बीटा गैलेक्टोसिडेज को देखो, वो देखो दो सिंगल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है फटाफट फटाफट, राइट? इधर देख सकते हैं ये वाला नीचे गया, देख रहे सबको? इज इट इंटरेस्टिंग? यस सर। ओके तो ये आप खुद करके देख सकते हो, आई विल फॉरवर्ड अ लिंक, ठीक है? आई थिंक जिसके जिसका कंप्यूटर इज बिट स्लो तो उसमें लोड होने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है? बट जो फास्ट कंप्यूटर रहेगा उसमें फटाफट लोड हो जाएगा, ठीक है? ओके सो इससे अभी क्या देखो पहले देखो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, अभी देखो लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है। इसको मैं मैनुअल मोड में कन्वर्ट कर, ये छोड़ता जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा स्पीड अप कर लूँ क्या, जस्ट सेकेंड। तो अभी देखो लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया एंड ओके अब क्या होगा, अब क्या होगा? लैक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, क्या होगा? क्या होगा देखो, ओके यस आप देखो हुआ, समझाइए, ठीक यस सर। है? ये क्या है, जेनेटिक स्विच है, ठीक है? जेनेटिक स्विच है, कैसे हो रहा है, राइट? अब रिप्रेसर परमानेंट बाइंडिंग नहीं कर रहा है, टेम्प्रेरी बाइंडिंग करना है थोड़ी देर के लिए, एंड थिंग इज कि डायरेक्टली ऑपरेटर को स्कैन करता है पहले एंड देन इट विल बाइंड। और किधर ऑपरेटर, ऐसा नहीं है कि जीपीएस सिग्नल लगा हुआ है कि ऑपरेटर में, उधर ही जाके बाइंड करेगा, इट विल स्कैन दी होल डीएनए एंड इट विल बाइंड टू स्पेसिफिक ऑपरेटर, ठीक है? नेक्स्ट है लैक्टोज ट्रांसपोर्ट, जो लैक वाई करता, ठीक है? इधर भी आपके ये अवेलेबल है, ओके अभी इधर वाई जीन भी एडिशनल दे रखा, लेट लेट सी। अभी ये लैक आई प्रमोटर है, मतलब रिप्रेसर का प्रमोटर है, ओके लैक आई जीन है, लैक सी जीन है, ओके लैक वाई जीन है, ओके लैक प्रमोटर है एंड लैक ऑपरेटर। मैं ऑपरेटर नहीं डालूंगा तो क्या करेगा देख लेते, ठीक है? ऑपरेटर मैंने डाला नहीं, अब रिप्रेसर क्या करेगा और आरएनए पॉलीमरेज़ क्या करेगा देखो, ठीक है?
मतलब क्या किया मैंने, म्यूटेशंस कैरी आउट किए, समझ रहे? तो इससे मैं म्यूटेशन स्टडी भी कर सकता हूँ। देखो अभी, ओके आप देखो वाई भी जनरेट हुआ एंड इधर देखो ये ट्रांसपोर्टर बन गया, राइट? अब मैं इसको ऑटो ऑटो में रख देता हूँ तो ये छोड़ता रहेगा। ओके अटैक, अंदर आ गया, ठीक है। और ये जीन्स बने हुए तो इसके स्पीड में थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ, फटफट करके निकलेगा। ठीक है चलो अभी मैं क्या करता हूँ, मोनोसिस्टोनिक बन गया अभी, ठीक है। अब देखो ये इधर आ गया, मैंने ये रख दिया, ऑपरेटर रख दिया, अब नहीं बन रहा, बट ये आ गया, देखा। ओके तो 1 मिनट में क्या करता हूँ, मैनुअल मोड में लेके जाता हूँ और ये स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ओके अब रिप्रेसर पे आ गया, बैठ गया और ये निकल गया, सही ना? मस्त सिमुलेशन स्टडी बनाने के लिए बहुत ये दिमाग लगना है। ये देखो जैसे ही दूसरा रिप्रेसर आने से पहले वो आरएनए पॉलीमरेज़ को टाइम मिल गया, फटाक से उसने एक बना दिया, ठीक है। अब चलो मैं क्या करता हूँ, इसको फुल्ली पॉपुलेट कर देता हूँ एरिया को, ठीक है। भर के ग्लूकोज, ये मैंने प्रोकैरियोट को डाल दिया, लैक्टोज प्लस सुपर रिच मीडियम, अब देखो लैक्टोज परमीएज कम है तो उसके स्पीड इतने ये, इसमें और लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो मज़ा आ जाएगा। फास्ट है थोड़ा, सिमुलेशन स्टडी इधर स्लो हो चुका है। ओके ये थोड़ा माइंड यू दिस दिस सिमुलेशन स्टडीज, ये थोड़ा सा आपका कंप्यूटिंग पावर ले लेगा, ठीक है, ज़्यादा ही लेगा। तो ये देखो मेरे इसमें ही स्लो चल रहा हो। ओके हमारे स्टिल ऑर्डर पर, ओके किसी ने क्वेश्चन पूछा सर, इवन दो एलो लैक्टोज इज एब्सेंट, हाँ एलो लैक्टोज कैसे एब्सेंट है आरती? मैंने बताया था ना लैक्टोज का आइसोमर है एलो लैक्टोज एंड बीटा गैलेक्टोसिडी, बीटा गैलेक्टोसाइड ही चेंज करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज ही लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। तुम्हारे क्वेश्चन में क्लियरली समझा नहीं, एक बार आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यस आरती, ओके व्हेन लैक्टोज गेट एग्जॉस्टेड, अच्छा देखो एलो लैक्टोज अगर कम भी हो गया ना, या लैक्टोज जीरो भी हो गया, देर माइट बी सम लैक्टोज एलो लैक्टोज विच इज बाइंडिंग टू रिप्रेसर। तो जब तक लास्ट मॉलिक्यूल लैक्टोज का यूटिलाइज नहीं हो जाता, देन आफ्टर दैट
रिप्रेसर रिप्रेसर से फिर ये एलो लैक्टोज भी निकल जाएगा एंड इट विल ब्रेक डाउन. ठीक है, होपफुली आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन. मेरे को थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है वैसे. आरती, अगर आपको क्लैरिफाई करना है यू कैन ओपन योर माइक. आई डोंट माइंड. Sir, that means when lactose is fully metabolized, we don't have that. Correct. Allolactose. Allolactose. हाँ, allolactose जितना भी रहेगा repressor में, it will be off from repressor. Now repressor will be free to bind to operator cell. वैसा. Yes, is it yes, answer sir. to your question? Right. Yes, yes. Okay. इसमें आप simulation study में आप ये भी कर सकते हो ऐसे क्या बोलते हैं आपका जीन का आप जीन उड़ा दो. कौन सा जीन उड़ाओगे? लैक आई जीन का उड़ाओगे. म्यूटेशन स्टडी ना. तो इधर मतलब थिंग इज कि इफ जीन इज म्यूटेटेड इट इज एज गुड एज इट इट इज नॉट अवेलेबल एट ऑल. क्या करेगा ये? क्या बनाएगा? कुछ नहीं, निकल गया वो. तो रिप्रेसर ही नहीं है. अब रिप्रेसर नहीं है तो ये क्या होगा? इधर क्या होगा? रिप्रेसर नहीं है, बेसल लेवल ये कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा. समझ रहे? ये कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा. समझा? दिस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूटिव, राइट? तो इधर आप म्यूटेशन स्टडी भी कर सकते हैं. मैंने जैसे मैं बोलूंगा कि मैंने लैक वाई ही हटा दिया, मैं लैक्स ही चाहिए मेरे, और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, दो म्यूटेशन करिए, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन. ओके, ट्रिपल म्यूटेशन में ये उड़ा देता हूँ, ऑपरेटर भी उड़ा दिए, ट्रिपल म्यूटेशन. इधर देखो ये रिप्रेसर करने की कोशिश कर रहा है, बनाने की नहीं हो पाए, रिप्रेसर ही नहीं बन पा, म्यूटेटेड है. ओ इज नेगेटिव, राइट? तो इधर फटाफट फटाफट बना रहा है. अब देखो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है एंड आपका जो लैक्टोज परमेस है उसकी क्वांटिटी कम हो गई. बीटा गैलेक्टोसिडेज की क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है. सिंपल. ये क्या पीछे छुप रहे थे? अब देखो मैंने लैक्टोज परमीएस का बना दिया. अब ये अंदर आएगा क्या? यस. देखो मैंने सुबह मॉर्निंग लेक्चर में बताया था कि लैक्टोज कैन कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टर. ठीक है, बट वो उसका जो आने का चांस है या प्रोबेबिलिटी इट इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू लैक्टोज परमीएस. तो लैक्टोज परमीएस में मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाता है लैक्टोज का इनटेक. ठीक है. ओके, ये सिमुलेशन स्टडी इज नॉट अ जोक है. अगर आपको लग रहा है जोक है, इसमें आप एक एक आप एक जीन को म्यूटेट कर सकते हो. राइट, मैं इधर जैसे इसको म्यूटेट कर दिया. ठीक है, आप देखो ये अंदर आ गए बट बीटा गैल ने है ही नहीं. अब क्या होगा? अब इधर हो सकता है लैक्टोज इनकॉर्पोरेट होता जाएगा तो बेसिकली इट विल एक्ट एज अ पॉइजन. वो बढ़ता जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा. कुछ रोल नहीं है. ठीक है, अगर जेड नेगेटिव है
इट विल नॉट डू एनीथिंग. वो फिर ये इसको वापस बाहर भी फेंक देगा, इसको एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज नॉट बीइंग मेटाबोलाइज्ड एट ऑल. एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये लैक्टोज को बाहर फेंक देगा. ओके, इधर लैक्टोज मीटर भी है, इंटीरियर लैक्टोज लेवल. ठीक है, और मैं इधर लेके आ जाता हूँ. बस बस भाई, ठीक है. ठीक है, आप जैसे जैसे लैक्टोज यूटिलाइज होता रहेगा, तो इधर इंटीरियर लैक्टोज जो है वो कम होता जाएगा. इधर चार्ट में दे रखा है येलो कलर, फ्लोरेसेंट येलो कलर. ठीक है, देखो इधर अभी लैक्टोज में फटाफट गिरावट आया कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बीटा गैलेक्टोसाइड है, देखो फट 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 नीचे आए, देख रहे ये देखो फट 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 यूटिलाइज. ठीक है, और इंटीरियर लैक्टोज जीरो हो गया. ठीक है, तो इधर कम हुआ फिर डटा. इतने सारे बीटा गैलेक्टोसिडेज है कि जितना भी लैक्टोज आ रहा है फटाफट यूटिलाइज हो रहा है. अच्छा, इसके हम लोग पाथवेज हम लोग देखेंगे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के, कि किस में क्या कन्वर्ट होता. ओके, तो दैट वुड बी इन बायोकेम. ओके, होपफुली दिस स्टडी वाज गुड फॉर यू. समझ में आया रहेगा क्या कैसे वर्क कर रहा है. यस यस स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? स्टिल ऑडिबल? Yes. So it was good. It was good. Was it good? Yes, sir. नहीं अच्छा भी नहीं रहेगा तो बता देना क्या इम्प्रूवमेंट्स करना है, वो भी आई विल सी टू इट. ठीक है, ओके. तो दिस इज प्रिटी हैवी एंड एज इन सिमुलेशन स्टडी है तो थोड़ा हैवी रहता है. तो आई डोंट नो कि तुम्हारा लैपटॉप का प्रोसेसिंग स्पीड क्या है. विल इट बी हैंड विल इट हैंडल दिस? ओके, जस्ट अ सेकंड, आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग.